हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है जी आप लोगों के? आई होप सो सब बहुत बढ़िया होंगे। सो सीए फाउंडेशन अकाउंट्स प्रैक्टिस बैच डे 7th रहेगा आज हमारा, और आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, इन्वेंट्रीज का टॉपिक, जिसकी वेटेज आप एग्जाम में 5 to 10 मार्क्स तक बोल सकते हो। मतलब बेसिकली देखा जाए तो कंसाइनमेंट और इन्वेंट्री, ये दोनों मिलाकर आपके 15 to 20 मार्क्स तक का पेपर इन दोनों चैप्टर में से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, कंसाइनमेंट एंड इन्वेंट्री। तो पहले हम इन्वेंट्री करेंगे, नेक्स्ट विल डू कंसाइनमेंट। ठीक, तो हेडिंग डालो। सीए फाउंडेशन अकाउंट्स प्रैक्टिस बैच डे हमारा है 7वां, डे 7। टॉपिक विल बी इन्वेंट्री, इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज बोल लो या वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज बोल लो, एक ही बात है। इसके ऊपर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी होता है, इसके ऊपर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी होता है, दैट इज योर AS2। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 होता है इसका, लेकिन आपको फाउंडेशन लेवल पे AS नहीं पढ़ाए जाते, तो आपको AS2 के प्रोविजंस को एज कुछ याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी अगर देखा जाए तो टेक्निकली आपके पूरे चैप्टर में AS2 की सारी बातें लिखी हैं, जो सब चीज हम पढ़ते हैं वो AS2 के हिसाब से पढ़ते हैं, लेकिन ऑफिशियली देखा जाए तो AS2 आपको नहीं पढ़ाया जा रहा। AS2 आप जाकर इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़ोगे, तो आप देखोगे जब इंटरमीडिएट में चैप्टर पढ़ोगे तो इंटरमीडिएट में आपको ये सारी चीजें दोबारा ही पढ़नी है, एक तरीके से थोड़ा बस माइन्यूट आपको स्टैंडर्ड की लैंग्वेज के हिसाब से पढ़ना है, बाकी बातें सेम है, बाकी तरीका काम करने का सेम है। ठीक, चलो जी, तो आते हैं सबसे पहले RTPs के ऊपर। तो RTPs और पास्ट एग्जाम क्वेश्चन देखते हैं, पहले RTP देखते हैं। लो जी, RTPs में पहले May 22 क्वेश्चन नंबर 6th मिलेगा आपको, इन्वेंट्री के ऊपर जो मिलेगा वो आपको क्वेश्चन नंबर 6th मिलेगा। हर RTP में आपको क्वेश्चन नंबर 6th मिलेगा। देखो जी क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6th, पढ़ो। अ ट्रेडर प्रिपेयर्ड हिज अकाउंट्स ऑन 31st मार्च एवरी ईयर। ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजन्स नो स्टॉक टेकिंग कुड बी पॉसिबल टिल 15th अप्रैल 2021। ठीक है जी, 15 अप्रैल तक स्टॉक टेकिंग नहीं हो पाई। ठीक है जी, ऑन विच डेट द टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स इन इज गो डाउन कम टू ₹1,50,000। वो कह रहे हैं 31 मार्च को बुक्स क्लोज हो रही है और हमने इन्वेंट्री की टेकिंग, इन्वेंट्री टेकिंग मतलब होता है स्टॉक को फिजिकली काउंट करना, तो फिजिकली हमने स्टॉक को कब काउंट किया है, 15 अप्रैल को जाकर काउंट किया है, और उस दिन पर हमारे गोडाउन में कितना स्टॉक अवेलेबल है, 1,50,000 का स्टॉक अवेलेबल है। ठीक, अब आपको क्या है सर, आपने 15 अप्रैल को काउंट किया है, आपको पीछे की तरफ जाना है, 31 मार्च का स्टॉक निकालना है, तो आपको 31 मार्च से लेकर 15 अप्रैल के बीच में, हालांकि 31 मार्च ना बोल के 1 अप्रैल बोलना चाहिए, कि 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन हुई है उन सबको आपको इस 1,50,000 की वैल्यू में एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक, उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको फिजिकली देखना है कि भाई 31 मार्च को फिजिकली मेरे पास कितना स्टॉक होना चाहिए, अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट करके चलोगे। द फॉलोइंग फैक्ट्स वर एस्टैब्लिश बिटवीन 31 मार्च एंड 15th अप्रैल 2021। क्या कहता है वो, कहता है सेल हुई है 1,23,000 की, इंक्लूडिंग कैश सेल्स ऑफ 30,000, और साथ साथ ही थर्ड पॉइंट पढ़ लेना, सेल रिटर्न 3,000। वो कह रहा है 31 मार्च के बाद और 15 अप्रैल तक, उसके बीच में आपके पास जो नेट में सेल्स हुई है, नेट सेल्स कितनी हुई है आपकी, 1,20,000 की, आप रिटर्न को अलग भी एडजस्ट कर सकते हो, बट मैं नेट में बोल देता हूँ 1,20,000 की सेल हुई है। बताइए जब भी सेल होती है तो सामान हमारे गोडाउन से चला जाता है, सेल होने का मतलब क्या होता है, फिजिकल स्टॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करिए कि सर सेल हो रही है तो हमारे गोडाउन से स्टॉक चला गया। अब मुझे बताइए 31 मार्च मतलब 15 अप्रैल तक, 31 मार्च के बाद और 15 अप्रैल के बीच में हमारे गोडाउन से स्टॉक चला गया, बाहर हो गया, तो यानी कि जब ये मैंने 1,50,000 का स्टॉक काउंट किया तो ये सेल मेरे गोडाउन में इंक्लूडेड नहीं थी, लेकिन 31 मार्च को तो ये गोडाउन में मेरे पास सामान होना चाहिए, क्योंकि ये सारा सामान तो आपके पास कब बिका है, 31 मार्च के बाद बिका है। भाई सिंपल सी बात है ना, ये बॉटल है मेरे पास,
मान लो ये बोतल है मेरे पास, ठीक, 31 मार्च को तो ये बोतल मेरे गोडाउन में है, लेकिन 31 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक मेरे पास से ये बोतल क्या होगी सर, बिक गई, मेरे पास से चली गई। तो जब मैंने 15 अप्रैल को स्टॉक काउंट किया तो ये बोतल अवेलेबल नहीं थी, लेकिन 31 मार्च को तो मेरे पास थी ना ये बोतल अवेलेबल। तो मुझे बताओ, जब मैं 150 का, जो मेरे पास 150,000 का स्टॉक 15 अप्रैल को अवेलेबल है, उसमें मुझे ये जो सामान बिक गया इसको क्या करना पड़ेगा, एड बैक करना पड़ेगा, तभी तो मैं 31 मार्च के स्टॉक पे आऊंगा, तभी तो मैं 31 मार्च के स्टॉक पे आऊंगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो सामान बिका है इसे क्या करना पड़ेगा, एड बैक करना पड़ेगा। लेकिन ये जो सेल्स दे रखी है आपको 1,20,000 की, नेट में जो सेल दे रखी है, ये किस वैल्यू पे दे रखी है, तो सेलिंग प्राइस पे दे रखी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि इन्वेंट्री आपकी किस पे वैल्यू होती है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस, ठीक। तो मैं अगर इसे कॉस्ट मानू 150 को, तो मुझे ये जो सामान बिका है इसकी भी तो कॉस्ट ही चाहिए, इसकी भी तो कॉस्ट ही चाहिए, सेलिंग प्राइस तो मैं एडजस्ट करूंगा नहीं, क्यों, क्योंकि सेलिंग प्राइस में तो प्रॉफिट मार्जिन भी जुड़ा हुआ है, तो प्रॉफिट का इंपैक्ट स्टॉक पे थोड़ी ना आएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस सामान जो बिका है आपकी सेलिंग प्राइस को आपको कॉस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट माइनस कर दो। प्रॉफिट सबसे एंड में आपको दे रखा है कि प्रॉफिट इज 20% ऑन द सेल्स, तो यानी कि ये जो 1,20,000 है इसमें से 20%, 120 का 20% माइनस कर दो, तो मैं सीधा सीधा बोल सकता हूं कि 1,20,000 का 80% वैल्यू आप लेकर चलोगे, तो ये आ जाएगी कुछ आपका 96,000। तो इतने रुपए की कॉस्ट का सामान आपको क्या करना पड़ेगा, एडबैक करना पड़ेगा। साथ साथ मैं आंसर भी ओपन करता हूं, साथ साथ मैं आंसर भी ओपन करता हूं और आपको वेरीफाई करते चलते हैं। लो जी, तो वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 15 अप्रैल कितनी है, 150। आपने ऐड किया कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना, 123 माइनस 3000 की सेल रिटर्न है, उसमें से आपने प्रॉफिट माइनस कर दिया, तो कितनी वैल्यू ऐड कर दी आपने, 96,000 ऐड कर दी। बस अभी यहीं तक, आगे देखते हैं। वो कह रहा है परचेज कितनी करी आपने, 15,102 की परचेज करी है, इंक्लूडिंग कैश परचेज ऑफ 5,970। सर कैश में हो या क्रेडिट में हो उस समय क्या फर्क पड़ता है, स्टॉक तो स्टॉक ही है, ठीक, चाहे कैश में खरीदा हो चाहे उधार में खरीदा हो, तो उसका इंपैक्ट यहां पर कुछ नहीं आने वाला, ठीक। टोटल परचेज आपने कितने की करी है, 15,102 की, 15,102 की आपने परचेज करी है। मुझे बताइए 31 मार्च के जब बाद आपने जब परचेज करी तो सामान आपके गोडाउन में आ गया होगा 31 मार्च के बाद, ठीक। तो जब आप 15 अप्रैल को स्टॉक काउंट कर रहे थे तो ये वाला सामान जो आपने 31 मार्च के बाद खरीदा है ये आपके स्टॉक में इंक्लूडेड होगा, ठीक। लेकिन 31 मार्च को आपने ये सामान खरीदा ही नहीं था, वो तो बाद में खरीदा है, तो ये आपके स्टॉक में होना नहीं चाहिए 31 मार्च को। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस परचेज को लेस करना पड़ेगा। तो लेस कर दो परचेज को, परचेज तो सर कॉस्ट पे ही होती है, तो परचेज को आप क्या करोगे, लेस करोगे ड्यूरिंग द पीरियड 31 मार्च टू 15 अप्रैल, 15,102 आपने यहां पर लेस कर दिया। आगे देखो, ऑन 15th मार्च गुड्स ऑफ द सेल वैल्यू 30,000 वर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस टू अ कस्टमर, द पीरियड ऑफ अप्रूवल बीइंग 4 वीक्स, ठीक है जी। वो कह रहे हैं 30,000 रुपए का सामान आपने कस्टमर को भेजा था अप्रूवल बेसिस पर, ठीक है जी, 15 मार्च को भेज दिया था, ठीक, यानी कि 31 मार्च तक आपका ये सामान अप्रूव नहीं हुआ, तो ये 31 मार्च को पूरा का पूरा 30,000 की सेल वैल्यू के गुड्स आपको क्या करना है, अपने स्टॉक में इंक्लूड करने हैं। क्यों इंक्लूड करने हैं, क्योंकि सर जो सामान मेरे कस्टमर के पास पड़ा होता है, जो सामान मेरे कस्टमर के पास पड़ा होता है, ओनरशिप तो मेरे पास ही है उसकी जब तक वो अप्रूव नहीं कर देता, तो ये मेरा स्टॉक का पार्ट बनेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 31 मार्च को आपको पूरा ये 30,000 अपने स्टॉक में इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है जी। लेकिन अभी लाइन पढ़ लेना आगे, वो कहता है ही रिटर्न 40% ऑफ दीज गुड्स ऑन 10th अप्रैल। वो कह रहा है 10 अप्रैल को उसने इस 30,000 में से 40% सामान पहले ही वापसी कर दिया, ठीक। मुझे बताओ, जब 10 अप्रैल को उसने 40% सामान वापसी कर दिया, तो जब मैं 15 अप्रैल को स्टॉक निकाल रहा हूँ, काउंट कर रहा हूँ, तो ये वाला जो स्टॉक है जो उसने 40% सामान रिटर्न किया है, ये ऑलरेडी मेरे गोडाउन में होगा, ये ऑलरेडी मेरे गोडाउन में होगा, बिल्कुल ठीक है सर, 40% तो ऑलरेडी मेरे गोडाउन में है। तो अब देखो 30,000, मैं क्या कह रहा था, 30,000 सारा सामान आपको इंक्लूड करना है, 40% ऑलरेडी आपने इंक्लूड कर रखा है जब आपने स्टॉक टेकिंग करी, तो बचा कितना, 60% बच गया। तो 30,000 का 60% ये आपको क्या करना पड़ेगा, अपने स्टॉक में लेना पड़ेगा, लेकिन ये सेल वैल्यू है तो इसका 80% आप लोगे। तो 30,000 का 60% का 80% आपको क्या करना पड़ेगा, अपने स्टॉक में इंक्लूड करना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस 80% ऑफ 18,000, ये 18,000 कैसा आया, 30,000 का 60%, तो 14,400 आ गया आपका, ठीक है जी। बात समझ में आती है, अप्रूवल वाली दोबारा सुन लो ध्यान से, मैं एक बार एडजस्टमेंट बता रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट होगा। देखो,
अप्रूवल पे आपने सामान भेजा था 30,000 रुपए का, कब भेजा था? 15 मार्च को भेजा था, ठीक सर? 15 मार्च को आपने अप्रूवल पे सामान भेजा था, 4 हफ्ते का अप्रूवल पीरियड था, तो 31 मार्च को वो पेंडिंग फॉर अप्रूवल होगा सामान, तो वो पूरा का पूरा स्टॉक आपको अपने, वो पूरा का पूरा सामान जो कस्टमर के पास पड़ा है वो आपको अपने स्टॉक में इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि भाई ओनरशिप आपके पास है उस सामान की, आपको अपने स्टॉक में इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है जी? तो 30,000 आपके स्टॉक में इंक्लूड होना चाहिए, लेकिन वो कह रहा है 40% सामान उसने 10 अप्रैल को ही वापसी कर दिया था, रिटर्न कर दिया था, तो 40% सामान जब 10 अप्रैल को वापसी आ गया तो मैंने स्टॉक टेकिंग करी है 15 अप्रैल को, तो 15 अप्रैल को तो ऑलरेडी मेरे गोडाउन में ये सामान अवेलेबल होगा, 15 अप्रैल को तो ऑलरेडी मेरे गोडाउन में ये सामान अवेलेबल होगा, तो बचा कितना? 60%, तो 30,000 का 60% सामान मुझे क्या करना पड़ेगा? अपने स्टॉक में इंक्लूड करना पड़ेगा एज ऑन 31 मार्च 2021, तो 30,000 का 60% 18,000, इसकी भी कॉस्ट दैट इज 80% ये आपको अपने गोडाउन के स्टॉक में इंक्लूड करनी पड़ेगी, ठीक है जी? आगे देखो, द ट्रेडर हैड ऑल्सो रिसीव्ड गुड्स कॉस्टिंग 24,000 इन मार्च फॉर सेल ऑन कंसाइनमेंट बेसिस, 20% ऑफ द गुड्स हैड बीन सोल्ड बाय 31 मार्च एंड अनदर 50% बाय 15 अप्रैल, दीज सेल्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द अबव सेल्स। क्या कह रहा है वो? वो कह रहा है ट्रेडर को 24,000 रुपए का सामान मार्च के महीने में मिला टू सेल करने के लिए ऑन कंसाइनमेंट बेसिस, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो ट्रेडर है, ये ट्रेडर कौन है? ये ट्रेडर एक कंसाइनी है, ये ट्रेडर क्या है? एक कंसाइनी है, ठीक है जी? ये ट्रेडर कौन है भाई साहब? एक कंसाइनी है, ठीक है जी? अब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है 24,000 रुपए का सामान आपको मिल गया, 24,000 रुपए का सामान आपको मिल गया कंसाइनमेंट बेसिस पर बेचने के लिए, कंसाइनमेंट बेसिस पर बेचने के लिए, तो आप एक कंसाइनी हो, ठीक? मुझे बताइए, जब आप कंसाइनी हो और आपको सामने वाला बंदा सामान देकर चला जाता है, तो क्या आप अपने स्टॉक में उस सामान को इंक्लूड करोगे? नहीं, वो आपका स्टॉक है ही नहीं, वो तो कंसाइनर का स्टॉक है, तो आपको अपने स्टॉक में से ये 24,000 का सामान हटाना पड़ेगा, ठीक? अब वो क्या कहता है? वो कहता है 20% सामान तो मार्च में ही बिक गया, तो जब बिक गया तो वो ऑलरेडी हमने हटा दिया स्टॉक में से, तो 24,000 का 20% तो बिक गया, 50% सामान 15 अप्रैल को बिक गया, तो 15 अप्रैल तक की स्टॉक टेकिंग हमने कर रखी है, तो 15 अप्रैल को 50% भी चला गया, और वो कह रहा है कि बाकी 30% आपके स्टॉक में इंक्लूडेड है, तो 24,000 का 30% आपके स्टॉक में इंक्लूडेड है, क्योंकि ये कॉस्ट दे रखी है, क्योंकि ये कॉस्ट दे रखी है, तो आप ये ऑलरेडी कॉस्ट पर लेकर चलोगे, तो 24,000 का 30% इसको आप क्या करोगे? अपने स्टॉक में से माइनस करोगे, अनसोल्ड स्टॉक ऑफ गुड्स रिसीव्ड ऑन कंसाइनमेंट बेसिस दैट इज 30% ऑफ 24,000 7,200, तो नेट स्टॉक आपका कितना आ गया? 238,098, दैट इज वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31 मार्च 2021। बोलो भाई, बात समझ में आती है? तो सर, इस टाइप का अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो मिनिमम से मिनिमम 10 नंबर का स्टॉक टेकिंग का क्वेश्चन जनरली आपके एग्जाम में 10 नंबर का आएगा, इस बार स्टॉक टेकिंग का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है जी? तो 10 नंबर का क्वेश्चन ये आपका इन्वेंटरी का हो गया, इन्वेंटरी टेकिंग का। नाउ कम टू नेक्स्ट आरटीपी, नवंबर 21। पढ़ो जी, नवंबर 21, क्वेश्चन नंबर 6। सबमरीन लिमिटेड कीप्स नो स्टॉक रिकॉर्ड बट अ फिजिकल इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इज मेड हाफ ईयरली एंड इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज टेकन एट कॉस्ट, ठीक है जी? वो कह रहे हैं कोई स्टॉक रिकॉर्ड वगैरह नहीं है, हम क्या करते हैं फिजिकल इन्वेंट्री, फिजिकल स्टॉक टेकिंग करते हैं हर 6-6 महीने बाद। द कंपनीज ईयर एंड ऑन 31 मार्च 2021 एंड देयर अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड टू दैट डेट, अकाउंटिंग ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च 2021 को, और अकाउंट्स उसी दिन पे बनाए जा रहे हैं। द स्टॉक वैल्यूएशन टेकन ऑन 31 मार्च 2021 वॉज हाउ एवर मिसलीडिंग, तो यू हैव बीन एडवाइज टू वैल्यू द क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2021 विद द स्टॉक फिगर ऑन 30th September 2020 एंड सम अदर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल टू यू। वो कह रहा है 31 मार्च को हमने स्टॉक टेकिंग करी तो थी लेकिन उसमें गड़बड़ी है, तो आपको दोबारा स्टॉक टेकिंग करनी है, और वो कह रहा है 30 सितंबर 2020 यानी कि पिछले लास्ट जो 6 महीना एंड हुआ है आपका 30 सितंबर पे, उस दिन पे आपको स्टॉक की वैल्यू दे रही है, तो उसके बाद की ट्रांजेक्शन आपको क्या करनी है? एडजस्ट करनी है। तो बेसिकली मूविंग फॉरवर्ड वाला क्वेश्चन हो गया कि भाई आपने इन्वेंट्री वैल्यूएशन 30 सितंबर को कर लिया है, तो 30 सितंबर से लेकर आपको 31 मार्च तक जो भी ट्रांजेक्शन हुई है उसको एडजस्ट करना है। नॉर्मल सा ही क्वेश्चन है। कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑन 30th September 2020 एज शोन बाय द इन्वेंट्री शीट वॉज 240 का आपको स्टॉक दे रखा है, तो मैं इसका सोल्यूशन भी ओपन कर लेता हूं।
लो जी, स्टॉक ऑन 30th September 2020 इज 240। आगे क्या कहते हो, ऑन 30th September 2020 स्टॉक शीट शोड द फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज, द पेज टोटल ऑफ 15,000 हैड बीन कैरीड टू द समरी शीट एट 16,000। मतलब वो कह रहा है 15,000 की वैल्यू को आपने, 15,000 के टोटल को आपने 16,000 लिख दिया, यानी कि ओवरकास्टिंग एरर है। तो ओवरकास्टिंग एरर है तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, माइनस कर दो, लेस कर दो ओवरकास्टिंग ऑफ पेज टोटल, 1,000 रुपए आपने लेस करे। और वो कह रहा है अ टोटल ऑफ अ पेज हैड बीन अंडरकास्ट बाय 600 रुपए, और एक पेज का टोटल आपने 600 रुपए कम लगा रखा है, तो ये अंडरकास्टिंग एरर है, तो इसको एड बैक कर दो। ठीक कर दिया आपने, अंडरकास्टिंग एरर हो गया, 600 रुपए एड हो गया। आगे देखो, दिमाग लगा के पढ़ना। इनवॉइस ऑफ द परचेज एंटर्ड इन द परचेज बुक ड्यूरिंग द क्वार्टर फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च 21 टोटल 210,000। क्या कह रहा है वो, सिंपल सी बात कह रहा है। वो कह रहा है भैया अक्टूबर से लेकर मार्च तक, यानी कि वही अक्टूबर से लेकर मार्च तक का पीरियड है हमारे पास, अगले 6 महीने, अक्टूबर से मार्च तक आपने 210,000 रुपए का सामान खरीदा है। मुझे बताओ, आपको 30 सितंबर का स्टॉक दे रखा है, यहां पर 210,000 रुपए का सामान आपने और खरीद लिया। देखो ऐसे देखो, ये 30 सितंबर है, ये 30 सितंबर है, ठीक। तो 30 सितंबर का स्टॉक दे रखा है आपको यहां पर, 30 सितंबर का, ये आपका मार्च एंड हो गया, ठीक। तो यहां तक आपने क्या करा सर, 210,000 रुपए का सामान खरीद लिया। तो मुझे बताओ, जब मैं यहां पर स्टॉक की वैल्यू निकालूंगा तो ये वाला सामान मुझे अपने स्टॉक में इंक्लूड नहीं करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है ना, 30 सितंबर का आपको स्टॉक दे रखा है, तो 30 सितंबर से लेकर 31 मार्च तक जो भी आपने सामान खरीदा है, तो 31 मार्च के स्टॉक में तो आपको उसे इंक्लूड करना पड़ेगा। तो दैट मींस दीज परचेज हैव टू बी एडेड इन द स्टॉक ऑफ 30th September 2020, ठीक है जी। 210,000 रुपए का आपका स्टॉक है जो कि एड होगा, लेकिन इसमें कुछ एडजस्टमेंट है। आउट ऑफ दिस 9,000 रिलेट टू द गुड्स रिसीव्ड प्रायर टू 30th September 2020। वो कह रहा है इस 210,000 में से 9,000 का सामान आपको 30 सितंबर से पहले ही रिसीव हो गया। तो यानी कि जब आपने 30 सितंबर का स्टॉक काउंट किया, तो ये 9,000 का सामान आपके गुड्स में, गोडाउन में ऑलरेडी अवेलेबल था। तो यानी कि 210,000 में से आपने क्या करा, 9,000 माइनस करा, ठीक। और वो कह रहा है इनवॉइसेस एंटर्ड इन अप्रैल 21 रिलेटिंग टू गुड्स रिसीव्ड इन मार्च टोटल 12,000 रुपए। वो कह रहा है कि कुछ सामान जो कि आपको मार्च में ही रिसीव हो गया था, लेकिन उसके इनवॉइसेस कब आए हैं आपके पास, अप्रैल में आया है। अगर मार्च में रिसीव हो गया है तो आपको मार्च के स्टॉक में उसे इंक्लूड करना चाहिए। जब मार्च में स्टॉक आप काउंट करोगे तो उसमें इंक्लूड करना चाहिए। तो ये 12,000 रुपए आपने क्या करा, यहाँ पर ऐड कर दिया। तो ये जो नेट इफेक्ट आएगा, ये आपको क्या करना पड़ेगा, अपने स्टॉक में ऐड करना पड़ेगा। तो गुड्स परचेस्ड एंड डिलीवर्ड ड्यूरिंग सितंबर टू मार्च इज 210,000 माइनस 9,000 प्लस 12,000, तो 213,000 रुपए आपने ऐड करने पड़ेंगे। इसमें मैंने एक अजम्पशन लिया, अगर आप ध्यान दो, मैंने अजम्पशन ये लिया है कि हमारी जो गुड्स की ओनरशिप है वो डिलीवरी के साथ आती है, कि जैसे गुड्स डिलीवर होते हैं तभी हमारे पास गुड्स की ओनरशिप आएगी। अगर आप ये अज्यूम कर लो कि गुड्स की ओनरशिप इनवॉइस के साथ आ रही है, भले डिलीवरी हो या ना हो, तब आप क्या करोगे, तब आप इस 12,000 को इंक्लूड नहीं करोगे, क्योंकि ये फिर आपकी कौन से महीने की परचेज बन जाएगी, अप्रैल की परचेज बन जाएगी, ठीक। तो फिर आप ये स्टॉक पे से अपने इसे 12,000 सामान को हटा दोगे, ठीक है जी। बट जनरली हमें ये अजम्पशन लेनी है, क्योंकि हम फिजिकल स्टॉक टेकिंग कर रहे हैं, तो डिलीवरी बेस के हिसाब से आप अजम्पशन लेकर काम कर लेना, ओके। आगे देखो, ये तो परचेज की बात होगी, सेल की बात करते हैं। वो कहता है सेल इनवॉइस टू कस्टमर टोटल 270,000 फ्रॉम सितंबर टू मार्च 21। वो कह रहा है सितंबर से लेकर मार्च के महीने में आपने जो सामान बेचा है वो कितने का बेचा है, 270,000 का सामान बेच दिया। तो यानी कि आपके गोडाउन में 270,000 का सामान अवेलेबल नहीं होगा 31 मार्च को, तो आपको माइनस करना पड़ेगा, माइनस कर दिया आपने, ठीक। लेकिन वो कह रहा है इसमें से 15,000 रुपए का सामान आपने 30 सितंबर से पहले ही डिस्पैच कर दिया, तो 270 में से 15,000 का सामान पहले ही डिस्पैच कर दिया, तो आप पहले ही अपने स्टॉक में से और हटा चुके हो, तो इसको माइनस कर दो 15,000 को। और वो कह रहा है कुछ सामान आपने 31 मार्च को इनवॉइस कर दिया, डिस्पैच कर दिया, लेकिन आपने बिल कब काटे हैं, अप्रैल में काटे हैं, तो क्योंकि आपने 31 मार्च को वो सामान डिस्पैच कर दिया, तो ओनरशिप आपने ट्रांसफर कर दी, तो ये सामान आपको अपने स्टॉक में से हटाना पड़ेगा, कितने का, 12,000 रुपए का, ये आपको सेल में इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक। तो ये आपने करा ऐड करके, ये नेट इफेक्ट आ जाएगा आपका कितना, कि गुड सोल्ड एंड डिस्पैच 270 माइनस 15 प्लस 12 267। अब ये तो सर सेलिंग प्राइस है, ये तो सेलिंग प्राइस है, तो आपको प्रॉफिट मार्जिन चाहिए। प्रॉफिट मार्जिन के लिए नीचे वो कह रहा है कि जीपी मार्जिन इज 25% ऑफ कॉस्ट। देखो जी, कॉस्ट का जीपी मार्जिन कितना है, 1/4 है, तो कॉस्ट का 1/4 है, तो सेलिंग प्राइस का 1/5 होगा,
ठीक, तो इसमें से क्या करोगे आप, 267 का 1 बाय 5 आप लेस कर देना, ये लेस करा आपने, 267 इंटू 25 बाय 125 मतलब 1 बाय 5 हो गया, तो लेस किया, या सीधा सीधा आप इस पे क्या कर सकते हो 80% भी कर सकते हो, तो ये नेट इफेक्ट आ जाए, नेट वैल्यू आ जाएगी आपकी 2,13,600, ठीक, तो आपका वैल्यू कितनी आ गई, 214,600। बस अब यहां तक देखते हैं, आगे देखो, वो कहता है ड्यूरिंग द फाइनल क्वार्टर क्रेडिट नोट एट इनवॉइस वैल्यू ऑफ 3000 हैड बीन इशूड टू द कस्टमर इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स रिटर्न ड्यूरिंग दैट पीरियड। वो कह रहा है 3000 रुपए का सामान आपके पास वापसी आ गया, अगर वापसी आ गया, रिटर्न हो गया, तो वो आप अपने स्टॉक में उसे ऐड करोगे, तो 3000 को ऐड करो, लेकिन 3000 का कितना परसेंट ऐड करोगे सर, 3000 का आपको 80% ऐड करना पड़ेगा, 2400 रुपए ऐड करा, तो नेट वैल्यू कितनी आ गई स्टॉक की, 241,400, दिस इज वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31 मार्च 2021। अगेन ये भी आपका 10 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। नाउ कम टू नेक्स्ट आरटीबी, मे 21। लो जी क्वेश्चन नंबर 6, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड बाय जेब्रा स्टोर्स ऑन जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। सर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है स्टॉक का, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। ये जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी है एंड ये AS2 की रिक्वायरमेंट भी है कि कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। स्टॉक टेकिंग फॉर द ईयर 31 मार्च 20 वॉज कंप्लीटेड बाय 10 अप्रैल 2020, यानी कि 10 अप्रैल को आपने स्टॉक टेकिंग करी है मूविंग फॉरवर्ड्स। द वैल्यूएशन ऑफ विच शोड अ स्टॉक फिगर ऑफ 502,500 एट कॉस्ट ऑन द कंप्लीशन डेट। वो कह रहे हैं 10 अप्रैल को स्टॉक की फिगर कितनी है, 502,500, तो वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 10th अप्रैल 502,500, ठीक है जी। आगे देखो, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ स्टॉक टेकिंग सेल फॉर द नेक्स्ट ईयर वर मेड एट 20625, प्रॉफिट मार्जिन बीइंग 33.33% ऑन कॉस्ट। मुझे बताओ 33.33% का मतलब क्या होता है, 1/3 कॉस्ट पर है प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस पे कितना होगा, 1/4 होगा, दैट इज 25% होगा। तो यानी कि 20625 का कॉस्ट अगर आपको निकालनी है तो 75% वैल्यू ले लो इसकी, तो 20625 की सेल्स आपकी 31 मार्च से 10 अप्रैल तक, तो मुझे बताइए 31 मार्च से 10 अप्रैल तक आपने सेल कर दिया है, तो यानी कि जब 10 अप्रैल को आपने स्टॉक काउंट किया तो ये सामान आपके गोडाउन में अवेलेबल नहीं था, लेकिन 31 मार्च को होना चाहिए, तो आपको ये ऐड करना पड़ेगा, 20625 आप ऐड करोगे एट 75% वैल्यू, तो 20625 का आप 75% निकालोगे तो यही आएगा 15469, एक बार चेक भी कर सकते हो आप, 20625 का 75% 15469 एग्जैक्टली आ गया आपका, ये मैच हो गया। आगे देखो, परचेजेस फॉर द नेक्स्ट ईयर इंक्लूडेड इन द स्टॉक अमाउंटेड टू 27,000 एट कॉस्ट लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। वो कह रहा है परचेज कितनी इंक्लूडेड है आपकी, 27,000 की स्टॉक में इंक्लूडेड है, क्योंकि आपने 31 मार्च के बाद खरीदा सामान, तो आपको 10 अप्रैल के स्टॉक में सामान इंक्लूडेड है, लेकिन 31 मार्च को नहीं होना चाहिए, तो आपको लेस करना पड़ेगा 27,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो इसका 90%, 27,000 का 90%, दैट इज 24,300 आपको लेस करना पड़ेगा। तो देखो 24,300 आपने क्या करा, लेस करा परचेज फॉर द नेक्स्ट पीरियड। आगे, ड्यूरिंग दिस पीरियड गुड्स वर एडेड टू द स्टॉक ऑफ मार्कअप प्राइस 900 इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल रिटर्न। वो कह रहा है कि 31 मार्च के बाद कुछ सामान आपके पास वापसी भी आया, 900 रुपए की सेलिंग प्राइस का सामान आपके पास वापसी आ गया, 31 मार्च को तो नहीं आया था ना, तो 31 मार्च को ये सामान अवेलेबल नहीं होना चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये 900 रुपए का सामान आपको माइनस करना पड़ेगा, लेकिन ये सेलिंग प्राइस है, तो 900 का 75% ले लो, 675 का सामान आपको माइनस करना पड़ेगा, तो कॉस्ट ऑफ सेल रिटर्न कह सकते हो आप इसे, 675 आपने लेस कर दिया। आगे, आफ्टर स्टॉक टेकिंग इट वॉज फाउंड दैट There were certain very slow moving items costing 3375 which should be taken at 1575 to ensure disposal to an interested customer. वो कह रहा है कुछ सामान है 3375 का, उसकी वैल्यू गिर गई है,
उसकी वैल्यू गिर गई है, और गिरकर कितनी रह गई है, 1575 रह गया, यानी कि 3375 का सामान 1575 पे रह गया है। आपने अपने स्टॉक में तो 3375 पे इंक्लूड कर लिया, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी रह गई है, एनआरवी कह सकते हो, एनआरवी कितनी हो गई है 1575, तो आपके अपने स्टॉक में से कितना माइनस करना पड़ेगा, 1800 आपको एक तरीके से लॉस है, तो वो आपको अपने स्टॉक में से रिड्यूस करना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे आप, लॉस ऑन रिवॉल्यूशन और स्लो मूविंग आइटम 1800 आपने लेस कर दिया। आगे देखो, ड्यू टू हैवी फ्लड्स सर्टेन गुड्स कॉस्टिंग 4650 वर रिसीव फ्रॉम द सप्लायर बियॉन्ड द डिलीवरी डेट ऑफ द कस्टमर, एज अ रिजल्ट कस्टमर रिफ्यूज टू टेक द डिलीवरी एंड एनआरवी ऑफ गुड्स एस्टिमेटेड टू 3750। वो कह रहा कुछ सामान था 4650 का, कस्टमर ने लेने से मना कर दिया, भाई फ्लड्स वगैरह हो गए थे इसलिए आपने बाद में डिलीवर किया, लेकिन कस्टमर लेने से मना कर दिया, और अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई है, 3650 हो गई है। तो आपने अपने गोडाउन में कितने रुपए पे इंक्लूड कर रखा है, 4650 पे, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी रह गई है, एनआरवी कितनी रह गई, 3750, तो कितना रिडक्शन हो गया आपकी, 900 रुपए। तो ये 900 रुपए भी आपका एक तरीके से क्या है, नुकसान है, तो आपको स्टॉक में से एडजस्ट करना पड़ेगा, रिडक्शन इन अकाउंट ऑफ डिफॉल्ट 900 रुपए। तो ये सब करने के बाद आपका जो इन्वेंट्री की वैल्यू आएगी 490294, दिस इज वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31 मार्च 2020। ठीक, ये भी आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। आगे देखते हैं, नवंबर 20, ये वाला क्वेश्चन आपका सेम है, सेम एज मई 22, जो मई 22 में हमने क्वेश्चन देखा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, फिगर्स चेंज है, बस सेम क्वेश्चन है, फिगर्स चेंज है, लेकिन स्टिल विल डू, हम करेंगे ये वाला क्वेश्चन ताकि आपकी क्लैरिटी और बन जाएगी। पढ़ो, अ ट्रेडर प्रिपेयर्ड हिज अकाउंट्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, ठीक है जी, ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजंस नो स्टॉक टेकिंग कुड बी पॉसिबल टिल 15 अप्रैल 2020, ऑन विच डेट टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स इन इज गो डाउन कम टू 50,000 रुपीज। ठीक है जी, वो कह रहा है कि 15 अप्रैल को हमने स्टॉक टेकिंग करी और उस दिन हमारे गोडाउन में सामान कितने का था, 50,000 रुपए का, तो वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 15 अप्रैल 2020 इज 50,000। उसके बाद The following facts were established between 31st March and 15th April. कि क्या क्या हुआ? Sale हो गई, और थर्ड पॉइंट सेल रिटर्न भी पढ़ लेना। सेल हो गई 41,000 की, सेल रिटर्न है 1,000 रुपए की, तो नेट सेल कितने की है 40,000 की, इंक्लूडिंग कैश सेल ऑफ 10,000, मुझे बताइए। 31 मार्च के बाद और 15 अप्रैल तक आपने 40,000 का सामान बेच दिया, बेच दिया तो आपके गोडाउन से चला गया, यानी कि 50,000 में ये सामान इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि ये तो बिक चुका है, लेकिन 31 मार्च को तो ये सामान हमारे गोडाउन में था क्योंकि बिका तो 31 मार्च के बाद है, तो 31 मार्च को आपके गोडाउन में क्योंकि ये सामान था तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस 50,000 के स्टॉक में ये सामान एड बैक करना पड़ेगा। भाई सिंपल सी बात है ना, रिवर्स कैलकुलेशंस आपको करनी है, एड बैक आपको करना पड़ेगा, कितने रुपए का, ये 40,000 का सामान है, ये 40,000 का सामान सेलिंग प्राइस है, तो कॉस्ट कितनी होगी, जीपी रेशियो क्या कह रहा है वो 20% ऑन सेल, तो कॉस्ट हो जाएगी इसका 80%, दैट इज 32,000 का सामान आपको इंक्लूड करना है। तो आपने ऐड करा कॉस्ट ऑफ सेल्स ड्यूरिंग 31 मार्च टू 15 अप्रैल 40,000, इसमें से प्रॉफिट लेस कर दिया होगा इसने 8,000, तो यानी कि 32,000 आपने क्या करा, ऐड बैक कर दिया। आगे देखो, फिर वो कह रहा है परचेजेस हमने कितने की लिया, 5034 इंक्लूडिंग कैश परचेज ऑफ 1990, कैश परचेज से कोई फर्क नहीं पड़ता, परचेज करिए 5034 की 31 मार्च के बाद करिए, तो यानी कि 31 मार्च को ये सामान हमारे गोडाउन में अवेलेबल नहीं होना चाहिए, ठीक, तो आपको माइनस करना पड़ेगा 5034, तो ये आपने परचेज लेस कर दी, परचेज ड्यूरिंग द पीरियड 31 मार्च और 15 अप्रैल 5034। इसको रटना मत, बच्चे क्या करते हैं गड़बड़ी रटने लग जाते हैं कि मूविंग बैकवर्ड है तो ये लेस करो ये ऐड करो, नहीं रट नहीं सकते बिल्कुल भी, समझना पड़ेगा, फिजिकली देखना पड़ेगा कि फिजिकली सामान का क्या हो रहा है, ठीक, वो आपको देखना पड़ेगा, और ओनरशिप। आगे देखो, On 15th March, ध्यान से, On 15th March, goods of the sale value 10,000
वर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस टू अ कस्टमर। 10,000 का सामान हमने क्या करा था, अप्रूवल बेसिस पे कस्टमर को भेज दिया था 15 मार्च को। अप्रूवल पीरियड है 4 हफ्ते का, तो यानी कि 31 मार्च को ये पूरा का पूरा 10,000 का सामान मेरे गोडाउन में मतलब मेरे को अपने स्टॉक में इंक्लूड करना पड़ेगा, पूरा का पूरा 10,000 का सामान। लेकिन वो क्या कहता है, ही रिटर्न्ड 40% ऑफ गुड्स ऑन 10th अप्रैल। वो कह रहा है 10 अप्रैल को उसने 40% सामान क्या करा, वापसी कर दिया। तो मुझे बताओ कि 10,000 का 40% सामान उसने 10 अप्रैल को वापसी कर दिया, तो 15 अप्रैल वाले स्टॉक में ये सामान ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो अब मुझे पूरा 10,000 ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो 40% सामान तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है स्टॉक में, दोबारा ऐड थोड़ी ना करूंगा। बचा कितना, 60%। वो कह रहा है अप्रूविंग द रेस्ट एंड द कस्टमर वॉज बिल्ड ऑन 16th अप्रैल। इसका 60%, यानी कि 6,000 की सेल वैल्यू का सामान आपको क्या करना पड़ेगा, एड बैक करना पड़ेगा, क्योंकि वो 31 मार्च को गुड्स विद कस्टमर है। और इसका भी क्या, 80%, दैट इज 4,800। तो क्या लिखोगे आप, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस 80% ऑफ 6,000, दैट इज 4,800। आपने ऐड करा तो आपका अच्छा अभी तो एक एडजस्टमेंट रह गई है। फिफ्थ पॉइंट, द ट्रेडर ऑल्सो रिसीव्ड गुड्स कॉस्टिंग 8,000 इन मार्च फॉर सेल ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। ट्रेडर एक कंसाइनी है, उसके पास 8,000 रुपए का सामान कंसाइनमेंट बेसिस पर सेल करने के लिए आ गया। तो बताइए, ये जो सामान 8,000 रुपए का कंसाइनमेंट बेसिस पर सेल करने के लिए आ गया, क्या ये ट्रेडर का सामान है? ट्रेडर का सामान नहीं है, तो उसको अपने स्टॉक में से इसे 8,000 के सामान को हटाना पड़ेगा। दिखते हैं, वो कह रहा 20% सामान तो 31 मार्च को ही बिक गया, अपने आप ही हट गया, क्योंकि वो बिक गया तो अपने आप हट गया। बाकी 50% 15 अप्रैल को बिक गया, तो 15 अप्रैल तक हमने स्टॉक टेकिंग करी है, तो 15 अप्रैल को ये 50% भी हट गया। बचा कितना, 30%। तो 8,000 का 30% आपको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। और क्योंकि ये क्या है, आपकी कॉस्ट है, कॉस्टिंग मतलब 8,000 रुपए का सामान कॉस्ट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे लेस करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो 79366 आप क्या करोगे, अपने स्टॉक में से हटा दोगे, तो ये आपके स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी कौन सी डेट पे, 31 मार्च 2020 को। पॉइंट समझ में आता है? नेक्स्ट, मई 20, ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बट स्टिल विल डू। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो। स्काई लिमिटेड कीप्स नो स्टॉक रिकॉर्ड बट अ फिजिकल इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इज मेड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर एंड द वैल्यूएशन इज टेकन एट दैट एट कॉस्ट। ठीक है जी, द कंपनी ईयर एंड्स ऑन 31st March 2018 एंड देयर अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड टू दैट डेट। द स्टॉक वैल्यूएशन टेकन ऑन 31st March 2018 वॉज मिसलीडिंग एंड यू हैव बीन एडवाइज टू वैल्यू द स्टॉक ऑन 31st March 2018 बाय टेकिंग द स्टॉक फिगर ऑन 31st December 2017। ठीक है जी, आपके पास कौन सी डेट की फिगर अवेलेबल है, 31st December 2017 की। वो कह रहा है इस फिगर से आपको क्या करना है, 31 मार्च 2018 का स्टॉक निकालना है, मूविंग फॉरवर्ड का क्वेश्चन है ये। तो स्टॉक ऑन 31st March 31st December 2017 इज 80,000, तो 80,000 का स्टॉक आपके गोडाउन में है। ठीक है जी, आगे देखो, वो कह रहे हैं ऑन 31st December स्टॉक शीट शोड द फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज, अ पेज टोटल ऑफ 5,000 Had been carried to the summary sheet as 6,000। वो कह रहे एक पेज का टोटल 5,000, हमने अगली शीट पे कितना लिख दिया, 6,000 लिख दिया, ओवरकास्टिंग एरर है, तो ओवरकास्टिंग एरर है, वैल्यू बड़ी हुई है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, तो लेस कर दो ओवरकास्टिंग ऑफ पेज टोटल, 1,000 रुपए लेस किया। देन टोटल ऑफ पेज हैड बीन अंडरकास्ट बाय 200 रुपीज, अंडरकास्टिंग एरर, तो अंडरकास्टिंग एरर मतलब वैल्यू कम लगी हुई है, तो आपको एड बैक करना पड़ेगा, तो अंडरकास्टिंग एरर हो गया आपका, 200 रुपीज एड हो गया। नाउ पॉइंट नंबर 3, इनवॉइस ऑफ परचेज एंटर्ड इन द परचेज बुक ड्यूरिंग द क्वार्टर फ्रॉम जनवरी टू मार्च 18 टोटल 70,000। वो कह रहे जनवरी से लेकर मार्च तक आपने 70,000 का सामान परचेज किया,
तो 70,000 का सामान अगर आपने जनवरी से मार्च के बीच में परचेज किया है, तो आपको 31 दिसंबर के स्टॉक में इसे ऐड करना चाहिए, तो 70,000 ऐड होना चाहिए। बट वो कह रहा है इसमें से 3,000 का सामान रिलेट टू द गुड्स रिसीव्ड प्रायर टू 31 दिसंबर 17, वो कह रहा है 3,000 रुपए का सामान आपको 31 दिसंबर से पहले ही गोडाउन में रिसीव हो गया था, तो रिसीव हो गया तो आपने 31 दिसंबर के स्टॉक में इस 3,000 को ऑलरेडी इंक्लूड कर रखा है, तो परचेज में से इसे हटा दो क्योंकि ये तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। और वो कह रहा है कुछ सामान जो थे 4,000 रुपए का, वो आपको मार्च के महीने में रिसीव तो हो गया था, लेकिन उसकी परचेज की जो बिल की डेट है वो अप्रैल 18 है। सर हम डिलीवरी बेसिस पे ओनरशिप ले रहे हैं, और इसमें ना लास्ट में लिखा भी है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप टेक्स प्लेस एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द गुड्स। अगर नहीं लिखा होता तब भी आप नोट देकर ये काम करते कि हम जो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप है वो डिलीवरी के टाइम पर मान रहे हैं, क्योंकि डिलीवरी के टाइम पर आप ओनरशिप ट्रांसफर मान रहे हो, तो ये जो 4,000 रुपए का सामान है ये भी आपका स्टॉक 31 मार्च का ही कहलाएगा, तो ये 4,000 आपको यहां पर इंक्लूड करना पड़ेगा। तो नेट फिगर कितनी आती है आपकी, 71,000, तो नेट 71,000 आपको एड करने पड़ेंगे। ठीक, तो गुड्स परचेज एंड डिलीवर ड्यूरिंग जनवरी टू मार्च 18, 70 - 3 + 4 दैट इज 71,000। ठीक है जी, फोर्थ पॉइंट, सेल इनवॉइस टू कस्टमर टोटल 90,000 फ्रॉम जनवरी टू मार्च 18। 90,000 का सामान आपने बेचा, ठीक है सर, 90,000 का सामान हमने सेल कर दिया, तो आपको पूरा 90,000 की कॉस्ट को लेस करना पड़ेगा। लेकिन वो कह रहा है आउट ऑफ दिस 5,000 रिलेट टू द गुड्स डिस्पैच बिफोर 31 दिसंबर 17, वो कह रहा है इसमें से 5,000 का सामान तो आप पहले ही बेच चुके थे, तो इस 5,000 को हटा दो, पहले ही आप डिस्पैच कर चुके थे बेसिकली। और वगैरह कुछ सामान आपने मार्च के महीने में डिस्पैच किया 4,000 का, लेकिन उसका इनवॉइस है अप्रैल 18 का, तो आपको इस 4,000 को सेल मानना पड़ेगा इसी साल की, तो आपकी नेट फिगर कितनी आ गई, 89,000 नेट फिगर ऑफ आपकी सेल्स है। इसको आप क्या करोगे, लेस करोगे, लेकिन इसकी कॉस्ट को लेस करोगे, और कॉस्ट क्या कह रहा है, जीपी मार्जिन इज 25% ऑफ कॉस्ट, तो कॉस्ट का 25% है, तो सेलिंग प्राइस का कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा, तो इस 89,000 का 80% ले लो, तो इस 89,000 का आप 80% लेस कर दो, तो 89,000 का 80% कितना आता है आपका, 71,200 आपने लेस कर दिया। क्लियर है? एंड लास्ट इज योर ड्यूरिंग द फाइनल क्वार्टर क्रेडिट नोट एट इनवॉइस वैल्यू ऑफ 1,000 had been issued to the customer in respect of goods return during that period. वो कह रहा है 1,000 रुपए का सामान आपके पास रिटर्न आ गया था, तो रिटर्न आ गया तो आप ऐड करो, लेकिन 1,000 रुपए सेल वैल्यू है, तो 1,000 का 80% दैट इज 800 रुपए आपको लेना पड़ेगा, 72,000। तो ये सब एडजस्टमेंट करने के बाद आपकी जो फिगर निकल के आती है वो 79,800 दैट इज वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31 मार्च 2018। बोलो भाई, क्लियर है? तो ये आपके RTBs हो गए फ्रॉम द टॉपिक ऑफ इन्वेंट्रीज। ठीक, अब आते हैं पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस पर। पास्ट एग्जाम क्वेश्चन में मैं आपको प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल करा रहा हूं, ठीक, थ्योरी भी आ जाती है इसमें से, थ्योरी में अभी नहीं करा रहा, थ्योरी के हम स्पेशल लेक्चर जो लेंगे उसमें मैं आपको इकट्ठे थ्योरी के क्वेश्चंस कवर कराऊंगा, तो उसमें जो भी प्रैक्टिकल चैप्टर से थ्योरी है वो भी कवर हो जाएगी। ठीक, तो आपको टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिकल कर रहे हैं अभी, तो प्रैक्टिकल में आपका नवंबर 19 में थ्योरी क्वेश्चन था, इसलिए मैं वो पेपर ही नहीं ओपन कर रहा, नवंबर 20 देखते हैं। तो जी ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टडी मैट का ही क्वेश्चन है, नवंबर 20। वो क्या कहता है, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक इन अ बिजनेस वॉज डन ऑन 23 फरवरी 2020। ठीक है जी, द वैल्यू ऑफ स्टॉक वॉज 28 लैक्स, द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस बिटवीन 23 फरवरी टू 29 फरवरी। आपको 29 फरवरी का स्टॉक निकालना है, वो कह रहे डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 29 फरवरी। ठीक है जी, 7 दिन की एडजस्टमेंट्स करके आपको 29 फरवरी का स्टॉक निकालना है। 23 फरवरी को स्टॉक की वैल्यू कितनी दे रही है, 28 लाख दे रही है, तो देखो कैसे आप इसे सॉल्व करोगे, तो वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 23 फरवरी 28 लाख। आगे देखते हैं, आउट ऑफ द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट गुड्स कॉस्ट वर्थ ₹230 वर अनसोल्ड। वो कह रहा है जो भी हमने सामान भेजा था कंसाइनमेंट पे, हम कंसाइनर है, हमने जो सामान भेजा था कंसाइनमेंट पे उसमें से 230 का सामान कंसाइनी के पास रखा हुआ है और वो अभी तक बिका नहीं है, अनसोल्ड है, तो मुझे बताइए
जब मेरा ही सामान कंसाइनी के पास रखा है तो वो मेरे ही गुड्स है, मेरी ओनरशिप है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने स्टॉक में उसे इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ये 230 का सामान अपने स्टॉक में मैं ऐड करूंगा, तो अनसोल्ड स्टॉक विद अ कंसाइनी 230 आपने ऐड कर दिया। परचेजेस ऑफ 3 लाख वर मेड आउट ऑफ विच गुड्स वर्थ रुपीज 120 वर डिलीवर्ड ऑन 5 मार्च। वो कह रहे 3 लाख की आपने परचेज करी जिसमें से 120 का सामान आपको 5 मार्च को डिलीवर हुआ। मुझे एक चीज बताइए, सामान आपने 3 लाख का खरीद लिया, लॉजिक बताना, सामान आपने 3 लाख का खरीद लिया, लेकिन वो कह रहा है 1,20,000 रुपए का सामान जो है वो आपको बाद में रिसीव हुआ, तो आपके गोडाउन में कितना स्टॉक होना चाहिए? सर 3 लाख में से 1,20,000 तो अभी आया है नहीं, 180 होना चाहिए, तो 180 तो फिजिकली होना चाहिए, लेकिन ये जो 120 1,20,000 का सामान रास्ते में है, क्या आपके पास उस सामान की ओनरशिप है? क्या आपके पास उस सामान की ओनरशिप है? यस सर, जब मैंने सामान खरीद लिया तो मेरा ही सामान अगर ट्रांजिट में है तो ओनरशिप तो मेरी हो गई, ओनरशिप तो किसकी होगी, मेरी होगी, तो वो 120 का सामान है उसे भी मुझे अपने स्टॉक में इंक्लूड करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए हम स्पेशल वर्ड यूज करते हैं, दैट इज नोन एज गुड्स इन ट्रांजिट। तो जो ट्रांजिट में सामान होता है वो भी आपका ही सामान है, उस पे अगर कोई नुकसान हो जाता है, वो अगर खराब हो जाता है तो सर आपको ही बियर करना पड़ेगा, क्योंकि ओनरशिप आपके पास आ गया, आप सामान खरीद चुके हो, एग्रीमेंट हो गया, आप सामान खरीद चुके हो। ठीक, तो देखो फिजिकली, फिजिकली आपके पास सामान कितने का आया, कहां गया इसका सॉल्यूशन, अच्छा नीचे है, ठीक, तो परचेज फिजिकली आपके पास कितने की हुई, 180 की हुई, और गुड्स इन ट्रांसिट आपको अलग से दिखाने पड़ेंगे 120, हालांकि पूरा 3 लाख ही ऐड होगा, लेकिन आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा कि फिजिकल स्टॉक कितना है, गुड्स इन ट्रांसिट कितना है। आगे देखो, सेल वर 13,60,000 विच इंक्लूड गुड्स वर्थ रुपीज 320 सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। ठीक है जी, हमने सामान कितने का बेचा था, हमने 13,60,000 का सामान बेचा था जिसमें से 320 का सामान अप्रूवल वाला था। हाफ ऑफ द गुड्स वर रिटर्न बिफोर 29 फरवरी, आधा सामान वापसी आ गया तो सेल रिटर्न होगी वो। सॉरी, वो कह रहा है हाफ ऑफ द गुड्स वर रिटर्न बिफोर 29 फरवरी, आधा सामान वापसी आ गया तो वो सेल रिटर्न होगी, लेकिन वो कह रहा है कि बाकी सामान की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो सर बाकी सामान आपका कस्टमर के पास पड़ा हुआ है तो वो भी आपका स्टॉक है। सिंपल सी बात है ना, अभी 3,20,000 का सामान आपने अप्रूवल में भेजा था, उसमें से आधा तो सामान वापसी आ गया तो वो तो सेल रिटर्न होगी, और जो बाकी आधा सामान था 160 का, उसकी भी ओनरशिप आपके पास है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सर उसे भी अपने स्टॉक में इंक्लूड करना पड़ेगा। तो देखो किस तरीके से होगा ये, तो देखो जी, पहले तो जो सामान अप्रूवल पे भेजा था आपने 160, उसका 80% आपने इंक्लूड करा 128। ठीक, अब सेल आपकी कितनी है, सेल आपकी है 13,60,000 माइनस 160, क्योंकि 160 का सामान वापसी आ गया था तो 12 लाख। ठीक, ये आपको निकालना पड़ेगा, ये आपको निकालना पड़ेगा, इसके लिए अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे, जो आपको नेट प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट जो आप माइनस करोगे वो आपको निकालना पड़ेगा, इसके लिए अगला पॉइंट हम देखते हैं। वो कह रहा है गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25%, तो प्रॉफिट इज कॉस्ट का 25%, तो सेल्स पे कितना हो जाएगा प्रॉफिट, 20% हो जाएगा। अब ये वाला पॉइंट अच्छा है, वो कह रहा है हाउ एवर गुड्स कॉस्टिंग 240 हैड बीन सोल्ड फॉर 150। वो कह रहा है 2,40,000 रुपए का सामान आपने 150 में बेच दिया, ये एक स्पेशल आइटम थी, 2,40,000 रुपए का सामान आपकी स्पेशल आइटम थी जिसको आपने 150 में बेचा, नुकसान पे बेच दिया। नॉर्मली तो आपको हर सामान पे प्रॉफिट हो रहा है 20% का, लेकिन ये 2,40 का सामान आपको मजबूरी में 150 पे बेचना पड़ा तो इस पे नुकसान हुआ। तो ये जो जीपी है, ये जो आपका जीपी निकल के आ रहा है, जो सॉल्यूशन में आपका जीपी निकल के आ रहा है, ये किस तरीके से निकलेगा, ये ऐसे निकलेगा। पहले आप नॉर्मल सेल निकालो कि सर एक्चुअल सेल कितनी आपकी 1360, इसमें से एबनॉर्मल सेल माइनस करी 150। ठीक है जी, एबनॉर्मल सेल हटा दिया आपने, कुछ गुड्स आपके रिटर्न हो गए थे 160 वो आपने हटा दिए, तो नेट सेल कितनी बच गई आपकी 1050 की। ये आपकी नॉर्मल सेल है, ये आपकी क्या है, नॉर्मल सेल है जिसमें आपने प्रॉफिट कमाया होगा। ठीक, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना है आपका, 20% है, तो इस 1050 पे 20% कितना हो गया, 2,10,000 रुपए का। लेकिन जो आपने एबनॉर्मल आइटम बेची है, 240 का सामान आपने 150 में बेचा है, इस पे कितना लॉस हुआ आपको, 90,000 का, तो 210 माइनस 90, तो नेट में आपको प्रॉफिट कितना हुआ, 120 का हुआ, तो 120 आप यहां पर क्या करोगे, लेस कर दोगे प्रॉफिट, तो आपकी जो नेट वैल्यू आ जाएगी सेल की वो कितनी आ जाएगी, 1080, तो 1080 लेस करने के बाद 23,78,000 आपका आ जाएगा। ठीक है जी, बोलो जी, ठीक है। ऑल्टरनेटिवली,
ऑल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते हो, ऑल्टरनेटिवली आप ये कर सकते हो कि जो आपका 10,50,000 की सेल आ रही है, हाँ जी, आप यहां पर क्या लिखो, ऑल्टरनेटिवली बता रहा हूं मैं आपको, आप यहां पर लिखो 1050, ठीक, और यहां पर लिखो आप 210, ठीक, एक फिगर आपकी ये आ जाएगी, ठीक। और यहां जो परचेज है, इस परचेजेस में से आप लेस कर दो एबनॉर्मल आइटम 240, ठीक। ये भी आप कर सकते हो कि भाई हमने क्या करा, हमने एबनॉर्मल आइटम को, उसके इफेक्ट को हटा दिया, परचेज में से भी हटाया, सेल में से भी हटाया, और फिर नॉर्मल आइटम पे मैंने कैलकुलेट कर लिया। ये वाला भी तरीका ठीक है, और जो मैंने अभी आपको बताया वो भी तरीका ठीक है। ये वाला थोड़ा सा इजी तरीका है, ये वाला फॉलो कर लोगे तो सही रहेगा, थोड़ा समझने में भी आसान है, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका नवंबर 20 क्वेश्चन। अगला पेपर उठाते हैं, दैट इज जनवरी 21। जनवरी 21 का पेपर, क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5th का ए पार्ट। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 5th का ए पार्ट है, कितने मार्क्स का है क्वेश्चन, 5 मार्क्स का, 5 नंबर का क्वेश्चन है, पढ़ो। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर एसरटेन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च 2020। आपको क्या दे रखा है, इन्वेंट्री ऑन 1 अप्रैल 2019 ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, परचेज ड्यूरिंग द ईयर, सेल ड्यूरिंग द ईयर, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस एंड एडमिन एक्सपेंस। सर इन दोनों एक्सपेंसेस का तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये आपके डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं, इन्वेंट्री की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होंगे। एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च 2019 अ सम ऑफ 20,000, लास्ट ईयर की बात कर रहा है, वो कह रहा है कि लास्ट ईयर की जब आप इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कर रहे थे, अ सम ऑफ 20,000 वॉज रिटर्न ऑफ ऑन अ पर्टिकुलर आइटम विच वॉज ओरिजिनली परचेज फॉर 55,000। वो कह रहा है एक आपने लास्ट ईयर एक आइटम खरीदी 55,000 की, क्योंकि वो एक एबनॉर्मल हो गई थी, वो खराब हो गई थी, तो आपने क्या करा, उसमें से 20,000 रुपये राइट ऑफ कर दिए। तो यानी कि आपकी एक 35,000 की क्या है, एबनॉर्मल इन्वेंट्री है, जो कि इस स्टॉक में इंक्लूडेड है, जो कि इस स्टॉक में इंक्लूडेड है, क्योंकि लास्ट ईयर आपने राइट ऑफ करे थे। तो इस स्टॉक में 350 में आपकी एक आइटम आ रही है इन्वेंट्री, कितने की आ रही है वो 35,000 की, एबनॉर्मल है वो, ठीक। उसको हमने इस साल 50,000 में सेल कर दिया, तो यानी कि इस 18,50,000 की सेल में आपकी 50,000 की एबनॉर्मल सेल्स भी इंक्लूडेड है। एक्सेप्ट द अबव मेंशन ट्रांजेक्शन, जीपी अर्न ड्यूरिंग द ईयर वॉज 20% ऑन सेल्स, ठीक। वो कह रहे हैं इस साल जो हमारा प्रॉफिट है, एक्सेप्ट दिस आइटम, हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना निकल के आ रहा है, 20% ऑन सेल्स। अब वो कह रहा है कि आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालना है ऑन 31/3/20, इसके लिए आपको क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट बना लो। देखो जी, अगर मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाता हूं तो किस तरीके से बनेगा, 2 ओपनिंग स्टॉक, कितना है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है आपके पास 350, इसमें से 35,000 की एबनॉर्मल इन्वेंट्री लेस करो तो कितना आ गया, 3,15,000। 2 परचेजेस, परचेज कितनी आपकी, 12 लाख। डायरेक्ट एक्सपेंस में आपके पास क्या है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, कितने के, 1 लाख के, बाय सेल्स, सेल्स कितने की है, 18,50,000 की। इस 1850 में से 50,000 की तो आपकी एबनॉर्मल सेल है, तो वो लेस कर आपने, तो कितना आ गया, 18 लाख। 2 जीपी, जीपी क्या कह रहा था, 20% ऑन सेल्स, तो यानी कि 18 लाख का 20%, दैट इज 360, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया, क्लोजिंग स्टॉक ये आप निकाल लो, 315 प्लस 12 लाख प्लस 1 लाख प्लस 360 माइनस 18 लाख,
175 का जी अपना क्लोजिंग स्टॉक आ गया 175 का। ठीक, तो देखते हैं एक बार 175 का क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है, एक बार मैं चेक कर लूं। देखो जी 175, ठीक है एटम। देखो कैसे कैसे किया इसने, सबसे पहले इसका ओपनिंग स्टॉक आ गया 350, इसने एबनॉर्मल आइटम हटा दी तो आपकी नेट ओपनिंग स्टॉक कितना आ गया 3,15,000 का। फिर परचेजेस आपकी 12 लाख की वो ऐड करी इसने, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस लेस करे इसने। ठीक, फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इसमें से इसने सेल ली 1850 की, उसमें से एबनॉर्मल आइटम की सेल माइनस करी 50,000 रुपए की। ठीक, नेट सेल आ गई 18 लाख रुपए की, उसमें से जीपी इसने 360 का माइनस किया 1440 आ गया, और फिर आपकी इन्वेंट्री आ गई 175। इसके लिए आप क्या कर सकते हो सर, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट आप बना लीजिए। ठीक है जी, नेक्स्ट जुलाई 21, जुलाई 21 में आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 2nd का सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2nd का सी पार्ट, 5 नंबर का क्वेश्चन है अभी। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी यूजिंग एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। ठीक है जी, एडजस्टिंग सेलिंग प्राइस मेथड है जिसमें आपको क्या करना पड़ता है, सेल में से प्रॉफिट माइनस करके आपको जीपी निकालनी है। ठीक, परचेज ड्यूरिंग द ईयर 5 लाख, सेल ड्यूरिंग द ईयर 750, ओपनिंग स्टॉक निल है, क्लोजिंग स्टॉक आपका 1 लाख है। तो वो कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालो, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक आपको सेलिंग प्राइस पे दे रखा है। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि टोटल आपकी सेल्स कितनी है, टोटल आइटम टू बी सोल्ड, आइटम टू बी सोल्ड कितनी है सर, 750 की तो आपने बेच दी और 1 लाख की हो रहा है, तो टोटल आइटम टू बी सोल्ड है 850, और आइटम परचेज कितने की करी आपने, आइटम आपने परचेज करी है 5 लाख। भाई ये जो 5 लाख का सामान आपने खरीदा है इसी की, इसी को ही तो आपने सेल कितने में करना है, 850 में करना है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख रुपए का और 7.5 लाख का आप सामान बेच चुके हो। ठीक, तो यानी कि आपका प्रॉफिट कितना आ रहा है 350 का। ठीक, ये 350 का प्रॉफिट 850 पे है, तो परसेंटेज कितनी आएगी, 350 डिवाइडेड बाय 850 इंटू 100, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ रहा है ये निकालो, तो यार आपका 41.18%, 41.18% आपका राउंड ऑफ कर दो। ठीक, इस स्टॉक में से, इस स्टॉक में से माइनस कर दो 1 लाख का 41.18%, दैट इज 41180 आप माइनस करोगे तो आपका नेट स्टॉक आ जाएगा 58820, ये आपका स्टॉक आ जाएगा एट कॉस्ट। देखो किस तरीके से, कि सर सेल्स 750, एड कर आपने क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस 1 लाख, तो ये क्या आ जाएगी आपकी सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स अवेलेबल फॉर सेल 850। देखो इस 850 को ही मैं 5 लाख से कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि ये जो 5 लाख की आइटम आपने खरीदी है, ये जो 5 लाख की आइटम आपने खरीदी है, ये सारी थोड़ी ना 7.5 लाख में बेच दी, इसमें कुछ क्लोजिंग स्टॉक भी है। ठीक, तो टोटल सेल वैल्यू कितनी है, टोटल सेल वैल्यू है 8.5 लाख रुपए की, टोटल परचेज वैल्यू है 5 लाख रुपए की, तो प्रॉफिट कितना आ रहा है 3.5 लाख रुपए। ये 3.5 लाख रुपए का प्रॉफिट आपका इस 850 पर आ रहा है, तो कितनी परसेंटेज आ जाएगी आपकी 41.18%। तो क्लोजिंग स्टॉक आपका 1 लाख रुपए का सेलिंग प्राइस है, उसमें से 41.18% माइनस करा तो आपकी स्टॉक की वैल्यू कितनी आ गई 58820। ये सब चीजें इसने कह रहा है कि अगर रेट हमारा, हम उसको राउंड ऑफ नहीं करते हैं, वो अलग अलग उसने वैल्यू निकाल के दे रखे, तो आपके लिए तो यही आंसर बनेगा। ठीक है जी, तो ये आपका जुलाई 21 का पेपर हुआ, एंड लास्ट पेपर इज योर दिसंबर 21। इसमें आपका कंपलसरी में आया इन्वेंटरी, वेटेड एवरेज मेथड कंपलसरी क्वेश्चन आया इन्वेंटरी का, पढ़ो, बहुत सिंपल क्वेश्चन। फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ स्पेयर पार्ट्स ऑफ एन ऑयल मिल, 1 जनवरी 21 ओपनिंग इन्वेंटरी नील, 1 जनवरी 21 उसने परचेज करी है 10 यूनिट्स 300 रुपए पर यूनिट, 15 जनवरी को उसने सेल करी है 5 यूनिट्स, 1 फरवरी को उसने परचेज करी है 20 यूनिट्स 400 रुपए पर यूनिट, 15 फेब को उसने फिर दोबारा सेल करी है 10 यूनिट, 20 फेब को उसने सेल करी है 10 यूनिट। यू आर रिक्वायर्ड टू वैल्यू द इन्वेंट्री ऑन 31/21 इफ द कंपनी फॉलो वेटेड एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड लगा के आपको काम करना है, तो स्टॉक रजिस्टर सा बनेगा आपका। ठीक,
स्टोर लेजर बोल सकते हो उसे। ठीक, तो आपके कॉलम क्या रहता है सर? डेट, रिसीट कॉलम, इशू कॉलम और बैलेंस कॉलम, तीनों में फर्दर तीन कॉलम, यूनिट रेट अमाउंट, यूनिट रेट अमाउंट, यूनिट रेट अमाउंट। ठीक, तो 1 जनवरी 21 को ओपनिंग बैलेंस निल हो गया आपका। फिर 1 जनवरी 21 को उसने 10 यूनिट्स खरीदी है 300 रुपए के हिसाब से, टोटल परचेजेस 3000 रुपए की, तो स्टॉक में भी सर यही रहेगी, 10 यूनिट 300 रुपए के हिसाब से 3000 रुपए। 15 जनवरी को उसने 5 यूनिट बेच दी, तो इसी 10 में से 5 गई होंगी, तो बची कितनी? फिर 5 यूनिट 300 के हिसाब से 1500। ठीक, उसके बाद 1 फरवरी को उसने 20 यूनिट खरीद ली 400 के हिसाब से 8000, तो उसके पास गोडाउन में कितनी यूनिट आ गई? 5 यूनिट पहले से बची हुई थी, 20 और खरीद ली तो 25 आ गई। अब ये प्राइस आपको निकालना है 380। ये प्राइस 380 कैसे निकलेगा? वेटेड एवरेज प्राइस। इसके लिए हम क्या करेंगे? 1500 का स्टॉक प्लस 8000 का सामान, तो टोटल कितना आ गया? 1500 प्लस 8000, 9500 की वैल्यू आ गई, डिवाइडेड बाय यूनिट 5 प्लस 20 25, तो आपका एवरेज प्राइस कितना आ गया? 380 आ गया। तो 380 के हिसाब से आपने वैल्यू किया ऐसे, तो ये कितना आ गया आपका? 9500 आ गया। ठीक, उसके बाद फिर आपने 10 यूनिट बेच दी, कौन सी वाली सर? 380 वाली यूनिट थी वो बेच दी आपने, 3800 रहेगी, 3800 की तो 15 यूनिट रहेगी आपके पास। फिर 15 में से फिर दोबारा 10 बेच दी 380 के हिसाब से 3800, 5 यूनिट बच गई 380 के हिसाब से 1900, तो ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है। तो आपको लाइन लिखनी पड़ेगी, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी ऑन 31 मार्च 21 इज 5 यूनिट्स एट 380 1900 रुपीज। ठीक है जी, तो ये आपका था सर इन्वेंटरी का टॉपिक। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा, सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। नाउ इन्वेंटरी का टॉपिक खत्म करने के बाद अब हमारे पास टॉपिक आएगा कंसाइनमेंट का। ठीक, तो कंसाइनमेंट का टॉपिक हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। एक बार मैं आपको रिव्यू करा देता हूं कि हमने क्या क्या कवर कर लिया है। ये लो जी, यहां से रिव्यू करना शुरू करो, हमने क्या क्या कवर करा है। देखो जी, शेयर कैपिटल हो गया, डिबेंचर हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, एवरेज ड्यू डेट हो गया, अकाउंट करंट हो गया, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस हो गया, इन्वेंटरी हो गया। ठीक, अब हम करेंगे कंसाइनमेंट, उसके बाद ये बाकी के तीन सारे टॉपिक्स बचे हुए। ठीक है जी, तो कंसाइनमेंट की वीडियो आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगी। ठीक है जी, चलिए फिर इन्वेंटरी को अच्छे से रिवाइज कर लेना आप, और कंसाइनमेंट को भी पढ़ के आना, अगली क्लास में कंसाइनमेंट डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।